साथ मैं हूं दीपिका। चाहत पांडे और रजत दलाल आमने सामने आ चुके हैं और रजत दलाल तो कई बार शो के अंदर बोल चुके हैं कि भाई सबसे पंगा ले सकता हूं, पूरे घर से लड़ सकता हूं, लेकिन चाहत पांडे से नहीं लड़ सकता हूं। हुआ क्या है आखिर दोनों के बीच में? सुबह सुबह गर्मा गर्मी कैसे हो गई? क्योंकि चाहत और रजत जो थे वो आपस में कर लेते थे सॉर्ट आउट चीजें, लेकिन यहां पर रजत दलाल के उस पास्ट की बात चाहत ने कर दी जिससे रजत बौखला गए। कैसे चाहत ने दिखा दिए रजत को अपने तेवर, बताएं कि आपको इस वीडियो में। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। चाहत अक्सर विवियन डिसेना को टीज करती है, कॉफी को लेकर उनके पीछे पड़ी रहती है जब से वीकेंड के बारे में चीजें बोली गई है। लेकिन सुबह सुबह जब रजत दलाल चाहत बैठे हुए थे, एक दो घर वाले और थे, तो वहां पर रजत दलाल ने कहा कि तेरे कर्मों का फल है कि तू आज यहां पर बैठी हुई है। अब रजत दलाल ने ये किस सेंस में बात कही? क्या टाइम गॉड के टास्क को लेकर कही कि वो टाइम गॉड बन गए हैं तो इसलिए एटीट्यूड दिखा रहे थे? वो तो एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। तो रजत दलाल की ये बात कि तू कर्मों का नतीजा है इसलिए तू यहां बैठी है, यही बात चाहत को चुभ गई और चाहत ने कह दिया वो भी तुम्हारे कर्मों का नतीजा था जब तुम ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे थे। उस एक्सीडेंट का या उन चीजों का जिक्र वहां पर चाहत ने किया था जिससे रजत दलाल खड़े हो गए और गुस्सा हो गए। तो उसके बाद चाहत ने वार्निंग भी दी। रजत दलाल जब भड़के उसका रिप्लाई उन्होंने किया तो चाहत ने कहा कि भाई प्यार से बात करोगे दुगना प्यार मिलेगा, नफरत से बात करोगे तो तुम्हारी भैंस की पूंछ। तो ये बातें चाहत कहती हुई नजर आ रही थी रजत दलाल से और रजत दलाल को सीधे सीधे वार्निंग दे डाली, तमीज से रहोगे, रेस्पेक्ट से बात करोगे। क्योंकि उसके बाद जब सोशल मीडिया में ट्रेंड होने की बात चाहत ने बोली तो रजत दलाल तू तड़ाके पर उतर आए और यही चीज चाहत को चुभ गई। चाहत ने कहा तमीज से बात करो, पहले तो इस तरीके से मुझसे बात मत करना। तो क्या रजत दलाल ने ही इंस्टिगेट किया चाहत को? क्या रजत दलाल ने खुद ही पंगे लिए पहले जाकर चाहत से? ये हमें एपिसोड में देखने को मिलेगा।